कैसे जब स्कूल जाते थे ऐसे पैर लगा के चुन्नी ऐसे करके यहाँ एक पिन यहाँ एक पिन यहाँ वो ऐसे क्रॉस बनाते थे ना तो ऐसे पहन लो कौन मना कर रहा है स्कूल ही तो जा रही हो और मम्मी ऊपर करो मम्मी की लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है ये वही लिपस्टिक है जो हमें भेजी गई थी एंड वो देख राधिका वो मैंने दरवाजे पे लगा दिया है फोटो यहाँ लगा दी है पहुँच जाओगे 5 मिनट का रास्ता एंड ये यहाँ लगा दिया है कल का ब्लॉग यहीं पे एंड किया था यहीं से शुरू करते हैं वेलकम टू द घर ऑल लवली फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो मैं जा रही हूँ मम्मी को पार्थो के स्कूल छोड़ने फिर वहाँ से आऊँगी और साथ साथ में आज शूट भी करते रहेंगे तो दिन के 11 बजे से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए हमारे साथ पार्थो के स्कूल छोड़ के आते हैं मम्मी को तो मैं और मम्मी निकल गए पार्थो के स्कूल के लिए मैंने तो नहाया भी नहीं बाल भी नहीं रहा बस लिपस्टिक लगा के बिंदी लगा के इसको कहते हैं छलावा किसी को क्या पता चलेगा तो कैमरे में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा मम्मी बस पार्थो को स्कूल के बाहर मम्मी को छोड़ के मैं उधर वापस आ जाऊँगी क्योंकि फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी एंड वीडियो भी अपलोडिंग पे डाली है तो टाइटल वगैरह सब डाल के पोस्ट करूँगी दिन में 2 बजे तक तो अभी जा रहे हैं हम स्कूल मैं घर आ गई हूँ मम्मी को छोड़ के एंड इतना टाइम लगा ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं आपको बता नहीं सकती मम्मी को 11:30 वहाँ पहुँचना था मम्मी 11:40 पे वहाँ पहुँची है एंड देखो मैं 12 बजने में भी अभी 3-4 मिनट है मैं आ गई हूँ मतलब आते हुए बहुत खुला था एक्चुअली मैं सड़क वड़क का काम हो रहा है तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पहले नहाती हूँ क्योंकि बाहर जाके बहुत सिक लग रहा है और नहा धो के खाना चढ़ाती हूँ एंड उसके बाद मम्मी इन पार्थो जब आएंगी ना मैं तब आपसे मिलूँगी क्योंकि अब मेरे को बस ध्यान जो लगा के काम करना है एंड वीडियो अपलोडिंग पर लगा रखी है यहाँ पे दाल बन रही है यहाँ पे चावल चढ़ा दिया बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है वो देखो मशीन लगी हुई है ना एक्चुअली सुनना ही पड़ेगा क्या कर सकते हैं तो 1:30 बज गए हैं मम्मी को मैंने कॉल किया तो पता चला पार्थो की छुट्टी 2 बजे होगी और वैसे अगर हाफ डे था 12:30 बजे छुट्टी हो जानी थी आई थिंक कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में तो मम्मी एंड पार्थो तो लेट आएंगे और मैंने नहा धो लिया अनूप एंड विराज आ गए थे यहाँ पे स्टिल मेरी एडिटिंग तो नहीं चल रही है लेकिन हाँ थंबनेल बना रही हूँ और आजकल थंबनेल मैंने थोड़ा चेंज किया आपको कैसा लगता है मुझे बताना मुझे अच्छा लगता है अब ऐसा तक कॉमिक्स नहीं होती जैसे अच्छा ये जो आइडिया है ना मुझे भारती सिंह की जो थंबनेल होती है उनको देख के आया था झूठ नहीं बोलना चाहिए मेरा मतलब उनका थोड़ा अलग होता है मेरा मैं वाइट रखती हूँ बेस लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स जैसा बनाती है मैं बहुत सारी बातें उसमें लिख पाती हूँ तो आपको सीमी ब्लॉग्स के थंबनेल कैसे लगते हैं मुझे आज कमेंट करके बताना चलो लाओ छाता दो भीग रहे हैं वो एक ही दे दो ना एक आप ले लो चलो ठीक है प्राइस ओ माय गॉड सच में लो आमा आप ये वाला छाता लो अच्छा ये लो पकड़ो ना बेटा रेनबो के पापा आप भी तुम बचो अपने आप को आप अपने आप को बचाओ मैं और मम्मी रुको मम्मा पार्टी भीगना नहीं चलो ये देखो भाई ये कोई बात होती है भल्ला धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है पता नहीं सूट हो रहा नहीं हो रहा है रेनबो एक मिनट रुको देखना कितनी तेज धूप आ गई देखना मम्मी लव हीरो ये क्या मजाक हो रहा है कभी धूप हो रही है कभी छांव हो रही है देखो बच्चों ने कितना सारा गिफ्ट जीत के लाया हां हां पार्थो जीता मैं गिफ्ट के लाया आप भी लाए हो क्या बात है फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज सब आपको ही कुसुम लता तो कमाल करे जा रही है बहुत सारा मिल जाता है लेकिन सबका मौका देना चाहिए ना चल बेटा चल क्या बात है भाई कुसुम लता के पूरा जा नहीं रही थी मम्मी पहले सुबह भेजा हमने जबरदस्ती छोड़ के ही आई हूँ आपने तो देखा ही है चलो बेटा चलो शाश्वत रो रहा था क्या बोल रहा था हमारे ऑटो में चलो
मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका फ्रेंड। अरे बाबू आमा तो कमाल करके आई है, वहाँ देख रहे हो प्राइस पे प्राइस देखे जरा। ये फर्स्ट प्राइस था, ये फर्स्ट प्राइस है। क्या किस चीज में खेला? प्राइस था गाने, पुराने गाने की टूर चल रही थी। बताना था कितने हैं। अब वो तो नहीं सकता ना कि एक लाइट खुलना, एक ही बंदा सब बताएगा। हाँ पर मैंने तीन गाने का बताया, फर्स्ट मैंने बताया था। अच्छा सेकंड भी मैंने बताया। अच्छा तीसरा भी फिर तीसरा एक किसी ने बताया, मैंने भी बता दिया। फिर मैडम खड़ी मेरे बगल में, मेरा नंबर मिला, सब कुछ फर्स्ट पढ़ाई मेरे को मिला था। ओ वाटर बोतल, इसी की कमी है बस, यही चाहिए होता है हमको। वाओ ये तो आमा को ही देंगे हम पार्टू, क्योंकि वो आमा का प्राइस है। नहीं मम्मी वो आपका ही प्राइस है ऑलरेडी, हाँ बहुत है। ये किसने बनाया? सबको मिल रहा था, उन्होंने बना के दिया टीचर्स ने। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। ये भी आमा का है, इसमें खोलो खोलो। ये देखो, When I think about my grandparents, I think of smile, hugs and fun times we spent together. Thank you for awesome grandparents. Okay, ये जो इन बच्चों ने बनाए हैं ना, वो एक दूसरे के पेरेंट्स को गए हैं। अब्बा दे पर कपल डांस करने थे। ओहो कपल डांस करने, कोई उठ ही नहीं रहा था, उठ ही नहीं रहा था। मैडम ने बिचारी देवर को तो उठो, सब उठो, डांस करना है करना है। हाँ। क्या था कि वो पेपर बिछा रखा था, पेपर में डांस। हाँ 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 पेपर डांस में थी। हाँ फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ। और एक तो बिल्कुल ऐसा था छोटे पेपर में, वो कैसे करें। मैंने बोला आप मेरे को, मैंने रखे दोनों पैर, तो बोला दोनों पैर मेरे ऊपर रखो। ये क्या है? खुश। अच्छा ये वो है जिसमें ना वो रखते हैं ना पेपर्स वगैरह, पेपर फोल्डर। वेरी नाइस। अच्छा ठीक है बाद में, पहले ड्रेस चेंज करो, गीले हो रहे हो। ओ और ये क्या खाने के लिए भी दिया था आप लोग को? हाँ ये सब होता है वो जो खाते। चलो आपने इंजॉय किया है मम्मा? आपने इंजॉय किया कि नहीं? मजा आया ना? वैन वाली का कॉल आया था ना, क्या है पार्ट नहीं दिख रहा। 12:30 छुट्टी हो गई थी उनकी तो। बताओ कौन सी टीचर खिला रही थी गेम? निशा टीचर। ओके ओके तो लौटी मार के खाओ। तो भाई हमारा खाना रेडी है, दाल चावल प्याज अचार एंड रोटी, और ये रहा मेरा खाना। मम्मी और अनूप जा रहे हैं डी मार्ट, मुझे बोला था मैंने, मैं नहीं जा रही इतनी बारिश में। ये रहे। हेलो मेरी माँ है ना, मेरी वीडियो चला के गई है कि व्यूज बढ़ेंगे, बोलिए फोन लेके नहीं जा रही हूँ, व्यूज बढ़ने दे। मम्मा कहाँ है? बताओ ना मम्मी कहाँ है? बाबू झोले वाली मम्मी आई, झोले वाली मम्मी आई, झोले में क्या लाई, झोले वाली मम्मी। हमारा शेफ भी आया, हमारा शेफ भी आया। शेफ तुम्हारा मुंह नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ टी शर्ट मैच हो रही है बस दीवार से। हमारे शेफ ने पता नहीं क्या सीखा होगा अब नया। मम्मा बारिश हो रही थी बाहर, बड़ी जल्दी आ गए आप लोग, गए और आ गए। खाली था क्या डी मार्ट? ठीक था। ब्लेस यू पार्टू, हाथ रखो यार। आज तो आमा और आप दोनों पीले पीले हो रहे हो, आमा की छन्नी भी पीली पीली हो रही है, आमा की चाय भी पीली पीली हो रही है। शाम के 5 बज गए हैं, नमाज हो रही है बाहर, एंड पार्थ और आमा चाय, बस पेट पूजा। सामान क्या क्या लाए डी मार्ट से जरा देखें। हटो बेटी, हटो मेरी बच्ची। ओके ये स्पेशल मेरे लिए लाया गया है, वुमेन्स प्लस, बूढ़ी हड्डियों में जान डाल दे है मम्मी। After 30, ये है बादाम, कश्मीरी लाल मिर्च,
गुड़, नमक, वुमेन सॉलिक्स, ये पूजा का ऑयल, ये सरसों ऑयल और ये चावल, यही लाए हो बस। तो यहाँ पे शाम को 6 बज रहे होंगे एंड मैंने पार्थ को बोला आजा चल पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अब पार्थ के ना 20 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारा अब मिल रहा है होमवर्क की पढ़ाई कराओ बच्चों को। तो मौसम भी अभी ऐसे ही हो रखा है, बाहर खेलने नहीं जा सकते, तो आज लेके बैठे उसको पढ़ाई कराने के लिए बहुत दिन बाद। तो भाई आज पार्थू की बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ऐसे ही लिखना ठीक है। चलो करो, हाँ, KEPT। तो यहाँ पे ना बच्चों की थोड़ी सी ऐसे तारीफ करते रहो ना तो बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ाई करते हैं। जैसे पार्थू ना बहुत ही गंदी राइटिंग, स्कूल में जब काम करके आता है ना मुझे यकीन नहीं आता कि ये पार्थू की राइटिंग है। और मैं आज एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसमें आप देखना कि मैं ना यही सोच रही थी कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो बोला मम्मी ब्लैक बोर्ड में मैम लिखते हैं ना तो जल्दी जल्दी लिखना होता है, इसलिए मेरे पे टाइम नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी गंदा गंदा लिख देता हूँ। लेकिन इतनी गंदी राइटिंग और घर में करता है तो इतनी सुंदर राइटिंग में करता है, तो बस वो ये लेके बैठना होता है और कहता है मम्मी जब मैं आप बगल में बैठ के कराती हूँ ना तो मेरी राइटिंग अच्छी आती है, तो आप करा दिया करो। तो क्या आपके भी बच्चे ऐसे करते हैं कि घर में अच्छा और स्कूल में बहुत ही गंदी राइटिंग में, हमें बताना। अब आप नीचे भी निकाल दो, देखो कितना, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, नॉट गुड, रियली नॉट गुड। आपको एक चीज़ सिखाऊं, जब आप TH बनाते हो ना, देखो यहाँ पे जब आप टी बनाते हो और TH कितना दाल इतना जय लिखना है, तो पहले आप ऐसे कहते हो टी, फिर यहीं से एच भी बनाया करो, ऐसे टी और एच साथ बना लो ना, फिर टी की डंडी भी चलो, ठीक है। IR उस मम्मी पत्थर कर लिखा आपका, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे हो? दिखा रही हूँ बादाम। यहाँ पे रात का खाना बनना शुरू हो चुका है, एक सेकंड। आज बन रहा है मटर पनीर, मम्मी भिगा रही है बादाम, कच्चा बादाम, बादाम। तो देखो अनूप की टी शर्ट पहन के बैठी है मम्मी, है मम्मी बारिश हो रही, ठंड लग रही, कपड़े हैं नहीं सारे, हाफ हाफ स्लीव के साथ। तो मेरा वो पहनो ना कुछ निकाल के मोटा, ठंड लग रही बहुत, तो फुल बाजू की दूं आपको? नहीं बेटा, एक्चुअली मानिक आ गए थे फिर हम सब साथ में बैठे रहे, तो खाना भी मानिक तो खेत चले गए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उसके बाद बस हमने खाना खाया, याद ही नहीं रहा कि कुछ भी करना है। एंड खाना खाने के बाद मम्मी ने बर्तन वर्तन मार दिया, मैं गैस पे साफ करी, एंड पार्थू का होमवर्क वोमवर्क अभी थोड़ा सा और है, बहुत ज्यादा दे रखा है, तो आज 3 पेजेस दे रखे हैं, एक एक पेजेस करके करा रही हूँ, तो अभी एक पेज और कराऊंगी, बाकी फिर कल करा दूंगी। बस यही थी आज की दिनचर्या, और एंड उसके बाद सो जाएंगे, तो मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, उठेंगे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक करना। स्वस्थ रहें आप सब, मस्त रहें आप सब, बाय बाय। It's clear to see from up here, the world seems small, we can sit together.